ये रहा मेरा बचपन का प्यार और ये रहा मेरा बिगेस्ट डेयरी मिल्क। ओ माय गॉड, तो इसका प्राइस होना चाहिए 10,000। पैसा बर्बाद, जो कि ऑलमोस्ट मेरी हाइट का होगा। मस्त जोक मारा। तो इसी से हम इसको अच्छे से और भी अच्छे से ब्रेक कर देंगे। किस किस को खाने का मन कर रहा है मुझे कमेंट में बताओ। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। यार मैं तो वरी हो गई, बट मेरा प्यार बड़ा नहीं हुआ, ऐसे कैसे चलेगा गाइस? प्यार को भी तो बड़ा होना पड़ेगा, मतलब बड़ा डेरे में तो होना ही पड़ेगा ना। आर यू कॉमेडी मी? तो इसलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं द बिगेस्ट डेरे मिल्क इन द वर्ल्ड। क्या आप सोच सकते हो कितना ज्यादा मजा आने वाला है? तो चले गाइस स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो एंड चले चलते हैं। बट यार जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताओ ना कि आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है, किटकैट या फिर डेयरी मिल्क। तो गाइस लाइक जरूर कर देना, बिल्कुल मुफ्त 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 है एंड टारगेट रखते हैं 100 के लाइक्स के। तुम क्या जानोगे एक चुटकी लाइक की कीमत क्या होती है नील हर्ट्स बाबू? तो जल्दी से लाइक कर दो। यार कितनी बकबक करती हूँ, चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फाइनली। सो गाइस आपको तो पता है कि मुझे चॉकलेट्स केक्स मतलब कि सारे के सारे जंक फूड खाना कितना अच्छा लगता है, बट ये सब खाने से ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, जैसे कि बैक एक, मसल एक, हेयर फॉल, ड्राई स्किन और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होने लग जाते हैं यार। एंड ये सब प्रॉब्लम इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड B12। एंड हम लोग जो डेली खाना खाते हैं ना उसमें ना ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं यूज करती हूँ एनवेदा का ये सप्लीमेंट जिसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड B12। गाइस अगर हम कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन D3 को साथ में लेते हैं ना तो ये प्रमोट करता है हेल्दी बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स एंड सबसे जरूरी हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ में हमारी स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करता है। एंड इसमें जिंक एंड मैग्नीशियम भी ऑप्टिमम क्वांटिटी में है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड साथ ही में इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और आजकल के टाइम में हमें तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की। ये आपको 1 टैबलेट पर डे लेने हैं एंड अगर आप पैक ऑफ 2 बॉटल्स लेते हो देन इट विल लास्ट यू 4 मंथ। एक पैक का प्राइस है 220 रुपीज जिसके अंदर आपको 60 टैबलेट मिलेंगे एंड अगर आप पैक ऑफ 2 खरीदते हो देन इसका प्राइस हो जाता है 395 रुपीज। सो गाइस मैं चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लेना। एंड अगर आप इसको एनवेदा की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे हमारे पास है ये नॉर्मल छोटू सा डेयरी मिल्क और साथ में है इतना सारा 500 ग्राम वाला डेयरी मिल्क, सारा का सारा मिला के 6 kg का है, समझ रहे हो? और इतने सारे चॉकलेट्स को अभी हम मेल्ट कराने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा सेटअप करके हमने ऑलरेडी पानी उबलने के लिए रख दिया है। ओके गाइस तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है, बॉयल हो रहा है पानी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो इसके ऊपर हम लोग ये जो बड़ा सा पॉट है इसको प्लेस कर देंगे। मगर क्यों? हे हाथ न जल जाए भाई साहब। ओके, तो ये अच्छी तरह से तैरने लग जाएगा। तो अभी हम इस वाली बोल के ऊपर ये जो ह्यूज मतलब जायंट साइज का जो बोल है इसमें हम लोग डाल देंगे सारे के सारे चॉकलेट। करना चॉकलेट हमने ऑलरेडी डाल दिया है। मैंने जिंदगी में इतना चॉकलेट खाना तो दूर की बात है यार, इकट्ठे देखा भी नहीं होगा। क्या आपने देखा है नीचे कमेंट में जरूर बताओ। यार पानी ऐसे ऐसे करके आ रहा है, मैं मतलब जल जाऊंगी यार इस सब करने के चक्कर में। तू अपना ख्याल रखिया कर। मणि क्या कर रही हो? और
और गाइस मेरे पास है ये जायंट सा स्पून जो कि ऑलमोस्ट मेरी हाइट का होगा। मस्त जोक मारा रे। तो इसी से हम इसको अच्छे से और भी अच्छे से ब्रेक कर देंगे ताकि ये और जल्दी जल्दी में। अरे यार क्या लग रहा है यार, चॉकलेट मेल्ट हो गया है नीचे वाला पार्ट। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। क्या लग रहा है देखने में यार, ओ माय गॉड, मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो रहन दो फिर। ये रहा नहीं जाता। शिकार बन रहे हैं मासूम लोग, जिसके खौफनाक खेल ने हजारों लोगों की जिंदगी को डाल दिया है खतरे। कौन है ये पाखंडी? 2000 years later. So guys, ये रहा हमारा ह्यूज सा ट्रे जिसके अंदर हम चॉकलेट को जमाने वाले हैं। बट उससे पहले बटर पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो यार चॉकलेट चिपक जाएगा, उठेगा नहीं इससे। तो चलो इसमें अच्छे से बटर पेपर लगा लेते हैं। करना सो गाइस, चॉकलेट ना ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है एंड ऊपर से ना देखने में इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, मेरे को मन कर रहा है मैं यहीं से थोड़ा सा उठा के टेस्ट कर लूं। बट जो कि मैं करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुंह जल जाएगा यार। बट यार सही में दिस इज द बेस्ट वैलेंटाइंस डे ऑफ माई लाइफ गाइज। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। किसको खाने का मन कर रहा है मुझे कमेंट में बताओ। यार लोग इतना चीख क्यों रहे हैं, शायद सबको थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है ना। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ ब्लू कलर का ये जो रैपिंग पेपर है वो, क्योंकि हमें ना पर्पल कलर का कहीं पे मिला ही नहीं यार, क्या करूं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ब्लू कलर से ही हम काम चलाएंगे। इतना बड़ा है हमारा जो चॉकलेट है, इसके पास तो ये रैपिंग पेपर भी हमारा छोटा पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसा बनाएंगे, मतलब ये बहुत सारा रैपिंग पेपर को मिला के ताकि ये आ जाए हमारा डेयरी मिल्क इसके अंदर। तो करना अभी इसको निकालने की बारी है। ओह गॉड आई डोंट नो। अरे यार इसको उल्टा करके रखना है या ऐसे रख दे? ऐसे रखो पहले। ओह माय गॉड। सो गाइस ये तो हमारा बहुत अच्छी तरह से बन चुका है, बट ना साइड में थोड़ा सा यहाँ पे शेप खराब हो गया है। अच्छे से कट कर लेंगे एकदम प्लेन करके। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और आप देखो यार कितना सारा चॉकलेट निकाला है हमने, मतलब मेरे तो मन कर रहा है कि थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देख लूं अभी। गेस करो अच्छा है कि खराब? मैं नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है? गेस करके कमेंट करो अभी। ये रहा हमारा डेयरी मिल्क, मतलब कि ये नहीं, ठीक है, ये रहा हमारा डेयरी मिल्क। ओ माय गॉड। तो इसके ऊपर हम लोग ना डेयरी मिल्क का जो लोगो आता है उसको भी लगाने वाले हैं। पहले थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो अभी यार मेरा फेविकॉल कहाँ गया? यही तो था, गया कहाँ? पैसा बर्बाद। मिल गया, ये रहा मेरा फेविकॉल। तो अभी इस लेबल को डेयरी मिल्क में चिपकाऊंगी मैं फेविकॉल से। तो चलो यार चिपका लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने फेविकॉल लगा लिया है एंड अभी इसको ना अच्छे से हम चिपका देंगे। ये रहा मेरा बचपन का प्यार और ये रहा मेरा बिगेस्ट डेयरी मिल्क। ओ
माय गॉड, इतना बड़ा है कि मैं सोच भी नहीं सकती। कोई सेंस है इस बात की? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। हाय यार, मेरी डेरी मिल्क को नजर ना लग जाए, कितना प्यारा लग रहा है। देखो मेरे पास बैठा हुआ है, सो प्रिटी। सो गाइस, अभी हम ना स्केल से मेजर करने वाले हैं कि ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है। तो सबसे पहले इसी को मेजर कर लेते हैं। ये जो पूरा पैकेट है ये है 4 इंच का, मतलब ये जो ऊपर का जो चॉकलेट के बिना जो पार्ट है ना, इसको भी मैंने काउंट किया है। ये पूरा का पूरा है 4 इंच का। ओके, एंड नाउ इसको मेजर करने वाले हम। यार इसके पास तो मेरा स्केल भी छोटा पड़ जाएगा यार। मतलब समझ रहे हो ना कि कितना ज्यादा मुश्किल है इसको मेजर करना। ऑलरेडी 12 इंचेस का यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। फिर से मेजर करते हैं। ओके गाइस, 24 इंचेस का हो गया है, फिर भी नीचे अभी काफी जगह बाकी है। नीचे से ये और 2.5 ढाई इंच ज्यादा है, मतलब 24 प्लस 2.5 26.5 इंचेस, सारे 26 इंची की ये है। एंड इसका जो वेट है, वजन, ये है 13 ग्राम का और ये है 6000 ग्राम का। मतलब समझ रहे हो, 13 और 6000 कितना गुना हुआ यार, कितना गुना हुआ, ऑलमोस्ट 1000 गुना यार। मुझे उतना मैथ्स नहीं आता, आप कर लेना। और मैं तो प्राइस बताना भूल ही गई यार। तो अगर ये छोटा सा चॉकलेट 10 रुपये में मिलता है तो इसका प्राइस होना चाहिए 10,000। पैसा बर्बाद, समझ रहे हो, एक चॉकलेट वो भी 10,000 रुपये का। तो अगर आप में से किसी को भी लेना हो ये वाला चॉकलेट 10,000 रुपया देके, आप मुझे दे सकते हो, मैं आपको बना के भेज दूंगी। कमेंट में बताओ। इसको अभी हम खाने वाले हैं, ठीक है। इसको खाऊं कैसे पर मैं? ओके, तो इसको हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? कुछ तो दो यार, मैं ऐसे मर जाऊंगी। मेरे को यार, मैं फाड़ देती हूँ। फाड़ दूं? ओह माय गॉड गाइस, कैन यू सी, मतलब कितना बड़ा है। साथ ही में दिखाओ कितना मोटा भी है, दिखा दो यार, काफी ज्यादा थिक है, दिख रहा है इतना थिक। ओके गाइस, आई एम सो एक्साइटेड, तो चलो इसको खाते हैं। यार इतना मोटा है कि मेरे मुंह में ठीक से आ ही नहीं रहा। टूट नहीं रहा, इतना मोटा है ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वाला डेरी मिल्क मैंने बनाया है, भाई साहब मैंने। मुझे कोई ऑस्कर भेजो, ठीक है, फिल्म फेयर भेजो, जो जो अवार्ड होता है सारे के सारे अवार्ड भेजो। यार मुझे ये वाला चॉकलेट इतना अच्छा लगा कि मैं खाने में इतना मगन हो गई कि मुझे दिखाई भी नहीं दिया, मैंने ख्याल भी नहीं किया कि मेरा मूछे बन गया है, वो भी चॉकलेट वाले। और मेरा हालत तो अभी पास बैठा मैं इमोजी की तरह है। गाइस मैं अगर पूरा खाऊंगी तो उठ नहीं पाऊंगी, इसलिए बाकी का किसके लिए रख दिया है, आपके लिए। खाओगे ना आप, खाना है ना आपको। बट उससे पहले एक बार आपको पूरा खोल के दिखा देते हैं। ओह माय गॉड, इतना भारी है ना कि मैं क्या ही बताऊं। यार कैसे खोलूं मैं यार, ये मेरे से नहीं खुल पाएगा यार। ओह माय गॉड, ये वाला चॉकलेट सिर्फ ग्रेट खली के लिए ही सही रहेगा यार, मेरे लिए नहीं। सो गाइस, आज के लिए मैं इतना ही चॉकलेट खाने वाली हूँ एंड बाकी का सारा चॉकलेट आपके लिए रख देने वाली हूँ। तो यार बताओ खाना चाहोगे क्या, तो जरूर नीचे कमेंट करो। और अगर आपको ये वाला चॉकलेट अच्छा लगा है देन जरूर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त 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 है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वाला चॉकलेट आप जिस जिसको भी भेजना चाहते हो ना, उनको शेयर कर दो ये वाला वीडियो, ठीक है। Love you so much!
बाय।